बड़ी खबर का रुख करते हैं। केंद्र सरकार ने नई एविएशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने 0/20 नियम को मंजूरी दे दी है, यानी अब विदेशों में उड़ान भरने के लिए एयरलाइंस को सिर्फ 20 विमान की ही जरूरत होगी, 5 साल के अनुभव की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि सरकार ने 5/20 पॉलिसी को खत्म कर दिया। अब तक 5/20 पॉलिसी ही चल रही थी, जिसको लेकर मांग की गई थी कि इसको खत्म किया जाए, 0/20 किया जाए, जिस पर हामी भरी जा चुकी है। तो इसके मुताबिक अब नई एविएशन पॉलिसी में 2500 रुपए प्रति घंटे की लागत पर उड़ान की मंजूरी दे दी गई है। आधे घंटे की घरेलू उड़ान के लिए 1200 रुपए का किराया तय किया गया है। यानी कहीं ना कहीं एक तरीके से कहें एयर फेयर भी अब सस्ता होने की उम्मीद जग गई है। जिस तरह से बेस प्राइस को लेकर भी यहाँ पर तमाम चीजें तय की गई हैं। असीम मनचंदा हमारे साथ हैं। असीम, क्या ये माना जाए जिस तरीके से नई पॉलिसी आई है, इसको मंजूरी दी गई है, इससे एयर फेयर में भी कहीं ना कहीं कमी आएगी और किस तरीके की राहत होगी? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो पहला कि जो 520 रूल जो है रिलैक्स किया गया है, उससे जो नई एयरलाइंस है उनको उड़ान भरने में आसानी होगी। वो बाहर इंटरनेशनल उड़ान जो है वो भर पाएंगी। तो जो विदेश यात्राएं करना चाहते हैं उनके लिए विदेशों में जाना जो है वो सस्ता हो सकता है। दूसरा ये कि रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सरकार ने जो है फेयर्स को कैप कर दिया है। यानी कि अगर आपकी 2 घंटे की उड़ान, 1 घंटे की उड़ान है, तो आपको उसके लिए 2500 रुपए जो है अधिकतम जो है वो चुकाने पड़ेंगे। तो ये रीजनल कनेक्टिविटी जो है उससे उसको इससे बढ़ावा मिलेगा। तो रीजनल कनेक्टिविटी जो है वो भी सस्ती, जो आपको रीजनल जगहों पर जाना है, यानी कि छोटे एयरपोर्ट पर जाना है टायर 2 टायर 3 सिटीज के, तो उनके यात्रियों को भी सहूलियत मिलेगी कि उनके लिए फेयर कैप हो जाएगा, वो आसानी से वहां पर उड़ान जो है भर पाएंगे। तो एट पार रेलवे का किराया जो है वो आ जाएगा कि आप चाहे रेलवे से उड़ान भरिए, चाहे प्लेन से, रेलवे से जाइए चाहे प्लेन से उड़ान भरिए, आपके लिए वो एकदम बराबर पड़ेगा। तो आप आसानी से फेयर जो है वो थोड़े से सस्ते हो जाएंगे यात्रियों के लिए। बिल्कुल, चलिए असीम, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।